तो गाइस DSLR के फोटो को एडिट कैसे करें ये तो आप लोग को हर यूट्यूबर बताता है, लेकिन आप लोग को मोबाइल के फोटो को कैसे एकदम बेहतरीन तरीका से एडिट करें ये आप लोग को कोई नहीं बताता। तो आज के इस एडिटिंग वीडियो में हम आप लोग को यही बताने वाले कि कैसे आप लोग अपने मोबाइल से क्लिक किया हुआ नॉर्मल फोटो को कैसे इतना अच्छा तरीका से मतलब इतना बेहतरीन तरीका से एडिट कर सकते हो। जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि इस तरह का फोटो एडिटिंग करने के बाद यार फोटो कितना ज्यादा ऑसम लग रहा है, और इसमें मैंने फेस स्मूथ करने का सबसे बेस्ट तरीका बताया। तो आप लोग इस वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं करना, नहीं तो आप लोग अच्छी तरह से समझ नहीं पाओगे। और यदि आप लोग को वीडियो पसंद आए उसके बाद वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए ले चलते हैं आप लोग को अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। तो सबसे पहले आप लोग को जो भी फोटो को एडिट करनी होगी सिंपली वो फोटो को पिकआर्ट एप्लीकेशन में ओपन कर लेंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये फोटो मोबाइल से क्लिक किया हुआ है, और यहाँ पे देख सकते हो फेस कैसा है, मतलब कितना पिंपल टाइप का नजर आ रहा है। ठीक है भाई, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे आप लोग ध्यान से देखते रहिए। तो यहाँ पे रेटोज वाले ऑप्शन पे जाएंगे, और रेटोज वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आप लोग को यहाँ पे स्मूथ वाले ऑप्शन से पहले फेस को स्मूथ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्मूथ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑटो पे क्लिक रहेगा, तो यहाँ पे गोल गोल घूमने लगेगा, मतलब सर्चिंग यहाँ पे थोड़ा सा लेने लगेगा। उसके बाद क्या करना है आप लोग को, आप लोग ध्यान से देखते रहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग को मैनुअल का ऑप्शन मिल जाता है, सिंपली मैनुअल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आप लोग को साइज को कुछ इस तरह से 40 या फिर यहाँ पे कुछ इस तरह से 37 रख लेंगे, और यहाँ पे ओपासिटी को भी हल्का बढ़ा लेंगे। ठीक है, फिर से क्लिक करेंगे मतलब ओपासिटी पे, और ओपासिटी को बढ़ा लेंगे 91 के राउंड, और यहाँ पे साइज को अपने अकॉर्डिंग रख लेंगे। ठीक है भाई, और इतना करने के बाद इसको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने फेस पे अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि आराम आराम से फेस पे अप्लाई करना है, और अगर साइज आप लोग को छोटा लगे तो साइज को यहाँ से आप लोग बढ़ा सकते हो, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। उसके बाद फिर से आप लोग को स्किन पे अप्लाई करना है, तो यहाँ पे देख सकते हो स्किन पे अप्लाई करते ही स्किन कितना अच्छा तरह से स्मूथ हो रहा है। ठीक है, अगर आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे तो पक्का आप लोग को पता चल रहा होगा कि फेस एकदम अच्छी तरह से स्मूथ हो रहा है। ठीक है भाई, तो चलिए इसको हम थोड़ा जल्दी जल्दी में कर लेते हैं ताकि वीडियो हमारा ज़्यादा लंबा ना हो, तो आप लोग ध्यान से देखते रहिए। और इतना करने के बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कि फेस जो है कितना अच्छा तरह से स्मूथ हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को यहाँ से डन वाले ऑप्शन से इसको कर देना है सिंपली डन, और डन करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, अब आप लोग फिर से देखते रहिए। तो यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, तो फिर से आप लोग को ऊपर कोने में डन का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ से इसको कर देंगे डन। ठीक है, जो भी काम किए रहिएगा वो सेव हो जाएगा डन करने के बाद। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, आप लोग ध्यान से देखते रहिए फिर से। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को एड फोटो वाले ऑप्शन पर जाना है, और यहाँ पे एड फोटो वाले ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ से हम एक रेड बैकग्राउंड को यहाँ पे एड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से नीचे आप लोग देख सकते हो ये रहा बैकग्राउंड, तो सबसे पहले यहाँ पे रेड बैकग्राउंड को ऐड करेंगे, और आधे पर से कपड़ा को चेंज करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा था थंबनेल में, मैंने आधे पर से कपड़ा को चेंज किया था, तो यहाँ पे कलर को मतलब कलर बैकग्राउंड को कुछ इस तरह से जूम करके ढक देंगे कपड़ा को, और कपड़ा को ढकने के बाद नीचे आएंगे और यहाँ पे ब्लेंड वाले ऑप्शन से इसको कर देंगे मल्टीप्ले, मल्टीप्ले कर देंगे। और इतना करने के बाद आप लोग को ऊपर इरेज का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है भाई, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ से कर देना है इन्वर्ट। ठीक है, इन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद फिर से रजिस्टर वाले ऑप्शन पर जाएंगे, और यहाँ से हार्डनेस को कर देंगे 93 के राउंड या फिर 95, और साइज को अपने अकॉर्डिंग मतलब जैसा जगह वैसा साइज सिलेक्ट करते रहिएगा। ठीक है भाई, इतना काम कर लेंगे। उसके बाद शर्ट को आधे मतलब शर्ट का जो उस पार होगा उस पे यहाँ पे कुछ इस तरह से अप्लाई कर देंगे एकदम आराम आराम से। ठीक है, और मान लीजिए शर्ट का बाहर चला जाता है तो आप लोग को ऊपर यहाँ पे बैक अंडो का ऑप्शन मिल जाता है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो जो गलत हो जाएगा वो हट जाएगा। ठीक है, तो इसको एकदम आराम आराम से आप लोग कर लेंगे, इसको ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे साइज को हल्का और बड़ा कर लेते हैं, तो चलिए हम इसको भी थोड़ा जल्दी जल्दी में कर लेते हैं ताकि वीडियो हमारा ज़्यादा लंबा ना हो, तो आप लोग ध्यान से देखते रहिए। और इतना करने के बाद आप लोग देख सकते हो कि आधा शर्ट का कलर यहाँ पे चेंज हो चुका है एकदम अच्छी तरह से। उसके बाद आप लोग को फिर से ऊपर डन का ऑप्शन मिल जाता है, तो इसको यहाँ से कर देंगे डन। ठीक है, डन कर देंगे, और डन करने के बाद आप लोग को फिर से यहाँ से डन कर देना है ताकि ये सेव हो जाए। ठीक है भाई, उसके बाद आप लोग क्या करना है, फिर से यहाँ पे एड फोटो वाले ऑप्शन पर जाना है, और एड फोटो वाले ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ से क्या करेंगे, इस बार हम स्काई ब्लू कलर को यहाँ पे एड करेंगे। ठीक है, और जो भी मैं यहाँ पे बैकग्राउंड PNG सब यूज करूँगा उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसको भी शर्ट को ढक देंगे, और ढकने के बाद यहाँ पे ब्लेंड वाले ऑप्शन से इसको भी कर देंगे मल्टीप्ले, मतलब सेम सेम काम करना है। उसके बाद आप लोग को फिर से रेज वाले ऑप्शन पे जाना है, और यहाँ से कर देंगे फिर से इन्वर्ट, और इन्वर्ट करने के बाद फिर से करेंगे रीस्टोर, और यहाँ पे हार्डनेस को कुछ इस तरह से 95 के राउंड रख देंगे, और साइज को छोटा या फिर बड़ा करते रहिएगा। ठीक है, और इतना काम कर लेंगे, और इतना काम करने के बाद इसको क्या करेंगे, एकदम आराम आराम से शर्ट के दूसरे भाग में इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, और मैं बता दूँ कि ये अप्लाई करते टाइम आपके बॉडी या फिर बैकग्राउंड पर नहीं जाना चाहिए, अगर बैकग्राउंड फोटो में चेंज कीजिएगा आप लोग तो बैकग्राउंड में भी चला जाता है हल्का, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो चलिए हम इसको भी थोड़ा जल्दी जल्दी में कर लेते हैं, और ये काम कर लेंगे आप लोग एकदम आराम आराम से। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि कितना अच्छा तरह से यहाँ पे कपड़ा कलर जो है वो चेंज हो गया। ठीक है भाई, उसके बाद आप लोग को फिर से यहाँ से कर देना है डन, और डन करने के बाद आप लोग को फिर से इसको सेव करने के लिए यहाँ से करना पड़ेगा डन। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम डन कर देते हैं, और इतना सारा काम हो चुका है। उसके बाद क्या करना है, मतलब इसमें बैकग्राउंड को एड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखते रहे, तो फिर से आप लोग को एड फोटो वाले ऑप्शन पर जाना है, और अपने गैलरी से बैकग्राउंड को पहले एड कर लेंगे। ठीक है, तो मैं बैकग्राउंड को यहाँ पे पहले एड कर लेता हूँ, तो ये रहा बैकग्राउंड, सिंपली इसको एड कर लेंगे, और एड करने के बाद बैकग्राउंड का
जो साइज होगा सिंपली इसको पूरा जूम कर लीजिएगा अपने फोटो के अकॉर्डिंग पूरा, ठीक है। और इतना काम कर लेंगे उसके बाद फिर से आप लोग को इरेज वाले ऑप्शन पे जाना है, और यहाँ पे जाने के बाद आप लोग को फिर से यहाँ पे इन्वर्ट कर देंगे, और इन्वर्ट करने के लिए के बाद फिर से रिस्टोर करेंगे, और यहाँ पे हार्डनेस को इस बार रखेंगे 98 और साइज को छोटा या फिर बड़ा करते रहिएगा, मैंने पहले भी बताया है। और इसको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने बैकग्राउंड पर अप्लाई करना है, ठीक है। अपने बॉडी या फिर अपना हाथ या फिर अपना कपड़ा जो भी होगा उसको नहीं कट कीजिएगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इसको अपने बैकग्राउंड पर अप्लाई करना है, तो यहाँ पे बैकग्राउंड पर एकदम आराम आराम से अप्लाई करते रहेंगे, ठीक है। तो ये काम करने से बैकग्राउंड जो होगा ये फोटो का एकदम बेस्ट क्वालिटी में रिमूव होगा और फोटो का क्वालिटी जरा सा भी लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको भी थोड़ा जल्दी जल्दी में कर लेते हैं, आप लोग ध्यान से देखते रहिए। और इतना काम करने के बाद देख सकते हो आप लोग की बैकग्राउंड जो है एकदम अच्छे तरह से चेंज हो चुका है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, ऊपर फिर से आप लोग को डन का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ से इसको कर देंगे डन, ठीक है। डन करने के बाद आप लोग को फिर से यहाँ से कर देना है इसको डन, ठीक है। तो इतना सारा काम हो गया, उसके बाद देख सकते हो आप लोग यहाँ पे बैकग्राउंड एकदम परफेक्टली तरह से रिमूव हो चुका है, ठीक है भाई। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आप लोग को सॉरी यहाँ पे स्टिकर वाले ऑप्शन पे नहीं जाना, ठीक है। तो इसको यहाँ से कट कर देंगे, ठीक है भाई। तो यहाँ से इसको कट कर देंगे, और कट करने के बाद आप लोग को फिर से यहाँ पे रिटर्स वाले ऑप्शन पे जाना है, और यहाँ से जाने के बाद यहाँ पे भी बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, लेकिन स्किन टोन वाले ऑप्शन पे जाएंगे और सबसे कोने में यहाँ पे लेफ्ट साइड में कलर का ऑप्शन मिल जाता है, सिंपली वहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप लोग को व्हाइट कलर को ले लेना है, ठीक है। यहाँ पे व्हाइट कलर को लेके डन कर देंगे, और डन करने के बाद आप लोग को सबसे लास्ट में यहाँ पे ऑटो का ऑप्शन मिल जाता है, तो ऑटो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे ऑटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद देख सकते हो फेस कितना ज़्यादा गोरा हो चुका है यहाँ पे, लेकिन आप लोग को रखना है यहाँ पे 80%, मतलब यहाँ से आप लोग जितना ज़्यादा फेस को गोरा चाहते हो रखना है उतना ज़्यादा आप लोग ले लेंगे। उसके बाद आप लोग को यहाँ से कर देना है डन, ठीक है। तो इतना तक अब तक कितना आसान था, उसके बाद आप लोगों को फिर से कर देना है डन, ठीक है। और इतना काम करने के बाद देख सकते हो फाइनली अभी भी फोटो यहाँ पे कितना ज़्यादा अच्छा हो गया, ठीक है भाई। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, फिर से एड फोटो वाले ऑप्शन पे जाना है, और यहाँ से जाने के बाद यहाँ से क्या करेंगे, फिर से रेड बैकग्राउंड को लेंगे, ठीक है। और इसको क्या करेंगे आप लोग ध्यान से देखते रहे, तो यहाँ पे इसको फेस पे रख देंगे, फेस पे रखने के बाद इसको ओपेसिटी जो है यहाँ पे 27 के राउंड रख देंगे, मतलब 30 के राउंड। और उसके बाद आप लोग को ब्लेंड वाले ऑप्शन पे जाके इसको भी कर देंगे मल्टीप्ले, और मल्टीप्ले करने के बाद यहाँ से फिर से कर देंगे इरेज वाले ऑप्शन पे क्लिक, और फिर से यहाँ पे कर देंगे इन्वर्ट, और फिर से यहाँ पे कर देंगे इसको रीस्टोर, ठीक है। हार्डनेस को रख लीजिएगा और साइज को छोटा कर लीजिएगा, और इतना सारा काम हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ इसको क्या करना है, अपने होंट यानी लिप पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो लिप पे अप्लाई करते ही लिप जो है हल्का हल्का पिंक हो जाएगा, तो काफ़ी अच्छा लगेगा, ठीक है। क्योंकि लिप जो है हमारा वो हल्का पिंक ही होना चाहिए और रहता भी है, ठीक है। तो इसको कुछ इस तरह से अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से अप्लाई करने के बाद देख सकते हो होट अभी भी ज़्यादा पिंक हो गया है, लेकिन आप लोग को यहाँ से कर देना है डन। और डन करने के बाद क्या करेंगे, फिर से ओपेसिटी वाले ऑप्शन पे जाएंगे, और यहाँ से आप लोग को होट को जितना पिंक रखना है उतना ले लेंगे यहाँ पे। तो मैं रख लेता हूँ इसको 18% के राउंड। उसके बाद आप लोग को यहाँ से फिर से कर देना है डन, और डन करने के बाद इतना सारा काम हो चुका है आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पे आप लोगों ने मतलब थंबनेल में आप लोगों ने गौर से ध्यान दिया होगा, यहाँ पे लाइट का PNG ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को फिर से एड फोटो वाले ऑप्शन पे जाएंगे और लाइट का PNG को ले लेंगे, और लेने के बाद अब क्या करना है, फिर से आप लोग को यहाँ पे ब्लेंड वाले ऑप्शन पे जाके इसको कर देंगे स्किन, तो PNG में जो ब्लैक होगा वो हट जाएगा। उसके बाद एडजस्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे और सेचुरेशन को जो है पूरा यहाँ पे -100 कर देंगे, तो लाइट का जो कलर होगा येलो वो भाग जाएगा, व्हाइट कलर आ जाएगा। उसके बाद आप लोग कर देना है डन, और डन करने के बाद साइज को बड़ा कर लेंगे और अपने बाल के साइड में कुछ इस तरह से रख देंगे, हल्का हल्का लाइट बाल पे भी आ जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर से लेयर वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से कर देंगे डुप्लीकेट, और बॉडी के कुछ इस तरह से साइड में रख दीजिएगा, तो बॉडी पे हल्का लाइट आएगा तो फोटो में रियलिटी आएगा, ठीक है भाई। उसके बाद आप लोग को यहाँ से कर देना है डन, इतना सारा काम हो चुका है। उसके बाद थंबनेल में आप लोगों ने देखा होगा कि बाल को भी मैंने बनाया था इस फोटो में, ठीक है। तो बाल को मैंने कैसे बनाया था, तो आप लोग ध्यान से देखते रहिए। यहाँ पे इस फोटो को हम पिकार्ट एप्लीकेशन से कर लेंगे गैलरी में सेव, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फोटो जो होगा वो बेस्ट क्वालिटी में गैलरी में सेव होकर आ जाएगा। उसके बाद आप लोग को डायरेक्ट पूरा बैक जाके गैलरी में जाकर दिखाता हूँ, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ से बैक हो जाना है, बैक हो जाने के बाद गैलरी से वही फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे जो फोटो अभी डाउनलोड होकर आया है पिकार्ट से। उसके बाद इसको शेयर करके भेज देंगे ऑटोडिस स्केच बुक के अंदर, ठीक है। यहाँ से हम सिर्फ और सिर्फ बाल को बनाएंगे, ठीक है भाई। और यहाँ पे ऑटोडिस स्केच बुक में भेज दिए इस फोटो को, और भेजने के बाद अब आप लोग को क्या करना है ये भी आप लोग ध्यान से देखते रहिए, तभी अच्छे तरह से समझ पाएंगे, ठीक है भाई। तो यहाँ पे सबसे ऊपर आप लोग को बहुत सारा ब्रश का ऑप्शन मिल जाता है, वहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से भी आप लोग को बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन स्मूथ वाले ऑप्शन से सबसे पहला ब्रश जो है वो ब्रश को ले लेंगे, ठीक है, सिलेक्ट कर लेंगे। और करने के बाद आप लोग को इसका सेटिंग दिखा दूँ, सेटिंग मतलब कितना पे रखना है, ठीक है। उतना ही रखिएगा, उससे ज़्यादा या फिर कम नहीं रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे साइज को 7% और फ्लो को 47 और यहाँ पे स्ट्रेंथ को 37 के राउंड इतना पर रख लीजिएगा। उसके बाद कट कर दीजिएगा इसको,
और इसको करने के बाद अपने बाल को जितना ज़्यादा जूम हो सके उतना ज़्यादा जूम कर लीजिएगा, ठीक है। जूम करने के बाद अपने बाल को बनाना है कुछ इस तरह से, जैसे कि बैकग्राउंड जो मैंने पिकार्ट एप्लीकेशन से रिमूव किया था, बैकग्राउंड को कट किया था, तो हल्का हल्का यहाँ पर पता चल रहा था कि हाँ बैकग्राउंड रिमूव किया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम छुपाएंगे यहाँ पर, और आप लोग चाहो तो लंबा लंबा फिंगर खींचेगा तो बाल को भी ज़्यादा लंबा कर सकते हो, हालांकि मेरा बाल जो है वो लंबा है ही पहले से ऑलरेडी, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हम कुछ इस तरह से बाल को बना लेते हैं, तो चलिए हम इसको भी थोड़ा जल्दी जल्दी में कर लेते हैं। और इतना काम करने के बाद फोटो जो है फाइनली एडिट कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद इसको यहाँ पे थ्री लाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और यहाँ से गैलरी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेव करंट स्केच कर देंगे, तो फोटो जो होगा वो बेस्ट क्वालिटी में गैलरी में सेव हो जाएगा, क्वालिटी जरा सा भी लॉस नहीं होगा, ठीक है भाई। तो फाइनली यहाँ पे एडिट हो चुका है एकदम अच्छे तरह से कंप्लीट। आशा करता हूँ कि आप लोग को ये एडिटिंग एकदम अच्छे तरह से समझ में आ गई होगी। तो अपने भाई को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार एडिट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।